पुलिस जवानों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और इस वैश्विक महामारी के बीच अपनी ड्यूटी देने वाले तमाम कर्मचारियों व मेडिकल स्टाफ के लिए पूर्व मंत्री ललित भाटी आयुर्वेदिक दवा का वितरण कर रहे हैं। आज उन्होंने यह आयुर्वेदिक दवा और स्नेलिक लब 200 के पैकेट अजमेर एसपी को राजदीप को दिए, जिससे कि वह कोरोना संक्रमण के बीच अपनी ड्यूटी दे रहे जवानों को रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए दवा पिला सके। पूर्व मंत्री ललित भाटी ने बताया कि यह दवा भारत सरकार के निर्देश के बाद सप्लाई की जा रही है और इससे किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। इस दवा से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, इसीलिए पुलिस कर्मियों, मेडिकल टीम कर्मचारियों, नर्सिंग कर्मियों के साथ ही आम जनता को इसका सेवन करने की आवश्यकता है, जिससे कि इस महामारी के दौरान इस संक्रमण से बचा जा सके। किस तरह का मिश्रण है और कितनी दवाओं कहाँ कहाँ पे आप दे रहे हैं? देखिए, अभी मैंने जो है करीबन 750 लोगों को पिलाई जा सके, इसमें करीबन ये 25 या 30 वाइल हैं जो मैंने अभी एसपी साहब को दी हैं। एक व्यक्ति को इसकी निर्धारित मात्रा है कि भाई 3 ड्रॉप्स इसकी जो है वो दी जानी है और ये आर्सेनिक अल्ब 200 इस दवा का नाम है, होम्योपैथी की ये दवा है और भारत सरकार ने भी इस दवा के लिए एडवाइजरी जारी की है। तो समय रहते हुए मैंने ये मंगा करके रख ली थी और इसकी परमिशन के लिए बाकायदा मैंने कलेक्टर साहब के थ्रू ही रूट किया था, तो डिपार्टमेंट ऑफ होम्योपैथी तो वहाँ डायरेक्टर साहब ने जो है इसके लिए यूज़ करने की बाकायदा हमें सहमति और स्वीकृति दोनों मुझे जारी की है। वो स्वीकृति पत्र भी मैंने एसपी साहब को दिया है, कलेक्टर साहब के पास भी आ गया है। तो मैंने ये सोच करके कि जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, जिसके अंदर पुलिस कर्मी भी हैं, स्वास्थ्य कर्मी भी हैं, नर्सिंग स्टाफ भी है, एजुकेशन के भी लोग हैं और भी दूसरे लोग हैं, तो सबसे पहले उनको वितरित करने का कि उनका इम्यूनिटी बूस्ट हो, उस दिशा के अंदर हमने इसका वितरण का काम चालू किया है। और कल से जो है हम इसको स्वास्थ्य कर्मचारी हमारे जो डॉक्टर्स वगैरह हैं, जेएलएन डॉक्टर्स मैंने जो अधीक्षक साहब हैं उनको, डॉक्टर अनिल जैन को इसके लिए कहा है, तो उन्होंने कल के लिए कहा कि अभी कल हम जो है अपने साथियों को इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो कल सवेरे भी मेरा वहाँ जाने का और उनको देने का प्रोग्राम है और कच्ची बस्तियों में भी आम नागरिकों को जहाँ पर इम्यूनिटी का स्तर ज़्यादा बेहतर नहीं है ऐसा हम मान करके चल रहे हैं, तो उनकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए भी आम नागरिकों के भी इसकी 3-3 डोज पिलाने का कार्यक्रम मेरा ये कल से नियमित रूप से चलेगा।